हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूरज कंप्यूटर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो लैपटॉप रिपेयरिंग का जो बढ़िया खर्चा भैया। होता है वो क्या होता है मार्केट के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कस्टमर हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कमेंट में ये लिखा है कि जो रिपेयरिंग का कॉस्ट होता है वो क्या होता है। तो अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जो जानकारी है वो आपके फ्रेंड्स के पास भी आसानी से पहुंच सके। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो कोई भी लैपटॉप है आपके पास, किसी भी कंपनी का हो, HP, डेल, लेनोवो, तोशिबा या फिर कोई भी कंपनी हो, अगर जो उसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है तो उसका मदरबोर्ड रिपेयरिंग का मिनिमम खर्चा जो है बात वो तो बात है 1500 सही से है। 2000 रुपये तक आता है कम से कम। बाकी वो लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि लैपटॉप कितना नया है, कितना पुराना है या फिर कितना लेटेस्ट है। अगर जो क्योंकि जो लेटेस्ट के बस लैपटॉप होते हैं उनके कंपोनेंट मार्केट में आसानी से अवेलेबल ना होने के कारण वो महंगे पड़ जाते हैं थोड़े से। उनका जो रिपेयरिंग का खर्चा होता है वो कभी कभी 5000 तक का भैया चला जाता है। और अगर जो आपके मैं लैपटॉप की यही स्क्रीन आपको ख़राब हो गई है, स्क्रीन ब्रेक हो गई है, स्क्रीन टूट सुना गई है, हुआ तो है जो मैं तो स्क्रीन का खर्चा होता है, रिपेयरिंग क्योंकि करवाना है बहुत सारे लैपटॉप की स्क्रीन आजकल हाँ? तो पेपर LED आ रही है, बट साइज़ अलग होता है, 15:6, 14:0, तो सब अलग अलग होता है। तो उनका जो प्राइस आता है एकदम मार्केट में बात वो भी 5000 से लेकर के 7000 तक के प्राइस में आता है। और अगर जो आपके लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब हो गया हो, कोई की अभी टूट हमारे गया पास हो तो या की कोई काम नहीं रिटर्न या कर रहा हो, वारंटी तो जो नहीं कीबोर्ड होते हैं वो कीबोर्ड भी आपको मार्केट में 1000 रुपये से लेकर के दो हाँ हज़ार रुपये हाँ तक के रेंज में मिलेंगे। बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, बहुत सारे इंटरनल मैं होते हैं, किसान तो बोल उनके रहा हूँ यार। कीबोर्ड के मॉडल पर डिपेंड करता है। और अगर जो आपके लैपटॉप का जो हिंचेज वगैरह टूट गया हो, बॉडी टूट गई है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गया है, गिर गया है, तो उस कंडीशन में जो उसका पैनल वगैरह चेंज करना होता है या हिंचेज वगैरह चेंज करने होते हैं, तो उसका जो खर्चा होता है वो भी लगभग आपको 1500 से शुरू होता है और 2500 रुपये तक के जाता है। अगर जो पूरा पैनल चेंज करना पड़ा प्लास्टिक का तो वो 2500 रुपये तक में चला जाता है। और बहुत सारे ऐसे टच वाले लैपटॉप होते हैं जिनका पैनल चेंज, जिनका जो बैक बैक पैनल होता है वो चेंज ना होकर के पूरी स्क्रीन का जो टॉप पैनल होता है वो चेंज करना पड़ता है, तो वो 14,000-15,000 रुपये तक के रेंज में जाता है मैक्सिमम। और अगर जो आपके लैपटॉप का जो बैटरी है वो ख़राब हो गया है, बैटरी का बैकअप नहीं आ रहा है और बैटरी चल नहीं रही है, तो जो बैटरी होती है आजकल वैसे भी दो प्रकार की बैटरियाँ आती है, एक एक्सटर्नल आती है जो बाहर से खुल जाती है, एक इंटरनल आती है जो पूरा लैपटॉप खोल के चेंज करना पड़ता है। तो उसका भी प्राइस इंटरनल के प्राइस 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये के रेंज में जाता है, और जो एक्सटर्नल होती है वो आपको 3,000 के अंदर अंदर मिल जाता है। और अगर जो कंपेटेबल लेना चाह रहे हैं तो कंपेटेबल आपको 1500 से स्टार्ट होकर के 2,000 के बीच में मिल जाएगा। और अगर जो आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है तो हार्ड डिस्क का प्राइस उसके कैपेसिटी यानी कि उसकी जो उसका जो साइज़ होता है उस पर डिपेंड करता है। 500 GB लेना है, 1 TB का लेना है आपको, 2 TB का लेना है, तो उस हिसाब से पड़ता है। 500 GB की हार्ड डिस्क की मैक्सिमम प्राइस इंस्टॉलेशन वगैरह करके आपको 3,500 रुपये तक पड़ जाएगी मैक्सिमम। और अगर जो वो 1 TB की लेते हैं तो 5,000 के रेंज में। और आजकल बहुत सारे ऐसे लैपटॉप हैं जिनमें SSD इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, तो इस SSD भी आपको 240 GB से शुरू होता है, 240 GB, 120 GB, 480 GB, 512 GB का, वो भी साइज़ में आपको हर साइज़ में मिल जाएगा और उसका प्राइस अलग अलग होता है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए आते हैं और इन सब में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, तो हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर जो आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी लैपटॉप में, तो आप सूरज कंप्यूटर को कॉल कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर का नंबर आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, और अगर जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। सूरज कंप्यूटर हमेशा आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।